गवर्नमेंट के एक साबका मिनिस्टर है, मैं उनसे पूछ रहा कि फ्लोर क्रॉसिंग भी तो हो सकती है महमूद खान अशरफजई के इंतखाब में? उन्होंने कहा नहीं हो सकती। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा हमने एक स्याही लगाई हुई है, ट्रेस करते हैं हम, जिसने वोट विफाक में उस दिन स्पीकर को नहीं दिया, और पंजाब में भी दो बंदों ने दिया, हमने बंदे पकड़ लिए हैं और उनकी पार्टियों को आगाह किया है। काश की स्याही का इस्तेमाल वो जनरल इलेक्शन में करते, कितने जो फरिश्ते पकड़े जाते। बलोच को देंगे आप सिद्धार्थी वोट या पश्तून को? इस तरह हमारे भी बहुत से बलोच हैं, खलाई लिबादा उड़ के वोट मांगते हैं, तो जरूर है कि हम उनको बलोच समझ कर वोट दें। मुफ्ती साहब को मुबारक दे दी आपने बलोचिस्तान में? किस चीज की? सीएम बन गए। अच्छा, वो बन गए? इलेक्शन से पहले बन गए थे, अभी नहीं बने। काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट लाना है, आप तक पहुंची ये सरगोशी? जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे, ना आप उसको रोक सकेंगे ना हम रोक सकेंगे। आप ठीक हैं सर? अंदर बैठे हुए थे, वोट भी दे देते, प्रोसेस का हिस्सा नहीं, आप क्यों इस तरह करते हैं सरदार साहब? किसको देता वो? आप बोले ना, आप मेरी जगह होते आप किसको देते? मैं कैसे आपकी जगह, एक अदना सा रिपोर्टर आपकी जगह कैसे, एक सरदार की जगह कैसे ले सकता है? भाई पॉलिटिकल वर्कर हैं लोग, वो भी तो वोट देते हैं ना। आप मेरी जगह होते, आपने जमीर से पूछते इन दोनों में से आप किसको देते? किसी को नहीं देते ना, तो मैंने भी आप लोगों के जहन की अक्कासी करते हुए वोट नहीं दिया। तो सरदार साहब ये अभी नेक्स्ट भी फिर यही करेंगे? अभी रिपोर्टर ने बड़ी खूबसूरत बात पूछी, वो पूछ रहे थे कि बलोच को देंगे आप सिद्धार्थी जो है वोट या पश्तून को? बात बलोच और पश्तून की नहीं है, बात है असूलों की, बात है दोस्ती निभाने की, बात है अपने वायदों पे कायम रखने वालों की। इस तरह हमारे भी बहुत से बलोच हैं जो खलाई लिबादा उड़ के या खलाई शटल में आके वो वोट मांगते हैं, तो ज़रूर है कि हम उनको बलोच समझ कर वोट दें। मुफ्ती साहब को मुबारक दे दी आपने बलोचिस्तान में? किस चीज़ की? सीएम बन गए। अच्छा, हमें तो पता, वो बन गए? वो भाई इलेक्शन से पहले बन गए थे, अभी नहीं बने हैं। वो तो इलेक्शन से पहले बन गए। क्या बात आप कर रहे हैं? वो इलेक्शन से पहले बन गए थे, इसलिए कि केयर टेकर में उनको वजीर लिया, इलेक्शंस के अनाउंसमेंट से दो दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उस पर कोई कानून लागू नहीं है। केयर टेकर मिनिस्टर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, ये आपका आइन, ये कानून, ये सब कुछ कहता है। लेकिन जब उसके लिए तमाम कानूनी नरमियाँ पैदा कर दी गई, तो हम समझ गए थे कि वजीर अला वही बने। तो ये जो अफवाह फैली है कि काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट लाना है, ये क्या है? इस आप तक पहुंची ये सरगोशी? भाई जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे, ना आप उसको रोक सकेंगे ना हम रोक सकते हैं। वैसे ऐसी बात है कोई? मेरे इल्म नहीं आई है, अगर आपने बात सुनी है तो मतलब कुछ तो है कि बातें चल रही है। कौन फिर चेयरमैन सेनेट आप किसको देख रहे हैं? बलोचिस्तान से ही होगा? देखें वो मेरे चाहने से या मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, जो सोच हम जो कुछ सोचें, लेकिन जो फैसला करने वाले हैं वो हमारे और आपके सोच के बरक्स फैसला करते हैं। गवर्नमेंट के एक साबिका मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछ रहा था कि फ्लोर क्रॉसिंग भी तो हो सकती है महमूद खान अशरफजई के इंतखाब में? उन्होंने कहा नहीं हो सकती। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा हमने एक स्याही लगाई हुई है और अच्छा, ट्रेस करते हैं हमने बंदा पकड़ लिया है। कौन सा? मैंने कहा, उसने कहा जिसने वोट विफाक में उस दिन स्पीकर को नहीं दिया, और पंजाब में भी दो बंदों ने दिया, हमने बंदे पकड़ लिए हैं और उनकी पार्टियों को आगाह किया है। काश की स्याही का इस्तेमाल वो जनरल इलेक्शन में करते, कितने जो फरिश्ते पकड़े जाते। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।